श्री कृष्णम पब्लिक स्कूल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस व कृष्ण जन्माष्टमी की इष्ट मित्रों एवं सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा, बैडमिंटन, लाइब्रेरी, इंडोर व आउटडोर खेल, बच्चों के लिए कंप्यूटर कक्ष, अनुभवी शिक्षक, बच्चों को पीने के लिए शुद्ध जल एवं विद्यालय के लिए विभिन्न क्रियाकलापों, बच्चों के माता पिता को मोबाइल मैसेज के माध्यम से समय समय पर जानकारी देना। पता सकरवा रोड गोवर्धन मथुरा, मोबाइल नंबर 7534022022892335899। जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने जिला अधिकारी कार्यालय पर अन्य अधिकारियों के साथ झंडा फहराकर झंडे को सलामी दे शहीदों को नमन किया व जिला मुख्यालय पर देश के शहीदों की याद में प्रस्तुति करने वाले छात्र छात्राओं व सहयोगी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया। लाली हाथवंत के प्राथमिक विद्यालय में पहुँचकर बच्चों व गाँव के लोगों का उत्साह बढ़ाया। लाली गाँव के लोगों ने जिला अधिकारी को शील्ड देकर सम्मानित किया। फिरोजाबाद से विपिन कुमार की रिपोर्ट, SKH न्यूज। आज का दिवस जो है स्वर्णिम दिवस है। 71वें स्वतंत्रता दिवस के इस आयोजन में यहाँ पर गांव में जो आप लोग एकत्रित हुए इस दिवस पर, और आज जो हमारे अमर शहीद हैं उनकी शहादत को याद करते हुए पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो इस लाले गांव की जनता यहाँ जो एकत्रित हुई है, आप सभी को तहे दिल से हमारे 71वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। बच्चों ने इतनी मनमोहन प्रस्तुति दी और बड़ा अच्छा लगता है देखकर जब हमारे जो आने वाली जनरेशन है, चाहे वो इस युवा संगठन के युवा हो जिन्होंने एक अच्छी सोच रखी, उन्नत गांव की सोच रखी, उसकी समस्याओं को किस तरह से दूर करना है, नकारात्मकता को दूर करते हुए सकारात्मक सोच को व्यापकता दी, उसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यहाँ के उपस्थित बच्चों ने भी इतनी खूबसूरत प्रस्तुतिकरण दिया है। बड़ा अच्छा लगता है जब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अपनी जो हमारी धरोहर है संस्कृत भाषा को तो साथ साथ भी उसका हिंदी संस्करण, आप लोग की बहुत बहुत बधाई के पात्र बच्चों, बहुत प्रतिभा का आप सभी फूल हो और इस प्रतिभा से आशाएं और उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि हमारा देश जो है कहीं ना कहीं हमने वो 71 वर्ष जस्टिफाई नहीं किए हैं, उसके साथ न्याय नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की तो दुनिया और जहां कायम है और आप जैसे भविष्य देखने को मिलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि हम जिस विचार के साथ, जिस सपने के साथ, जिस कल्पना के साथ आजाद हुए थे, वो विचार और ज्यादा व्यापक होगा, और ज्यादा सुदृढ़ होगा, और एक सशक्त भारत, नवनिर्मित भारत, नया भारत हम लोग बना कर दे सकते। हमारे इस गांव की बहुत समस्याएं रही हैं, इसलिए जब मैं वहां पर बुजुर्ग के आई थी स्थितियां बदतर थी, बहुत खराब, और हमारे देश की आत्मा आज स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में आपने मुझे गांव में यहां पर बुलाकर सम्मिलित करके इस पूरी कवायद को और ज्यादा सशक्त भूमिका दे दी है, और मैंने ये स्वतंत्रता दिवस का मेरा जो भी जहां जहां मैं गई पूरा नहीं होता अगर मैं इस गांव में नहीं आता, इसलिए विशेष रूप से यहाँ पर आगमन मेरा बंदी था, और मेरे आगमन से अगर यहाँ पर चीजें बदलाव की दिशा लेती हैं और उन्नत जो मंच है, उन्नत समिति है, इनके प्रयासों से अगर एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है, एक अच्छी दिशा मिलती है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी कि थोड़ा भी मेरा यहाँ पर गाँव के विकास को नया बल दे। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आजाद भारत में जन्म लेने के लिए हम सभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं और उनको जोरदार तालियां सभी लोग एक बार बजाएंगे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक ये कार्यक्रम चलेगा।
उन्नत।